नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23, 24 और 25 मार्च की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशील होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर शेयर कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन तीन दिनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि तिथि और शुभ योगों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले 23 मार्च की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि रहेगी और पुनर्वसु नाम का यह दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इन दिन योग की बात करें तो शोभन नाम के योग के बाद इस दिन अति गण नाम का योग रहने वाले हैं। राहु काल के दिन समय रहेगा शाम के 3:34 से लेकर शाम के 5:05 तक। दोस्तों ये राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा दिन मिथुन राशि को उपरांत कर्क राशि में संचार करेंगे। वह दोस्तों 24 मार्च की बात करें तो बुधवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी और इस दिन पुष्य नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों ये दिन शुक्रमा नाम के योग रहने वाले हैं और राहु का समय दोपहर के 12:33 से लेकर दोपहर के 2:03 तक रहेगा और दोस्तों ये दिन भी चंद्रमा जो है कर्क राशि पर ही संचार करेंगे। वहीं दोस्तों आखिरी दिन 25 मार्च की बात करें तो दोस्तों आखिरी दिन में गुरुवार का दिन होगा और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होगी और अश्लेषा नाम का इस दिन नक्षत्र होगा और दोस्तों इस दिन शुक्रमा नाम के योग के बाद धृति नामक योग रहने वाले हैं और दोस्तों आखिरी दिन में शुक्रमा नाम के योग के बाद धृति नामक शुभ योग रहने वाले हैं। दोस्तों इंद्र राहु का समय रहेगा दोपहर के 2:03 से लेकर शाम के 3:34 तक और चंद्रमा इस दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन तीन दिनों की ये जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, तिथि और शुभ योग को मिलाकर आपकी राशि पर उनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों इन दिनों में आप जीवन के रहस्यों का पता लगाने के लिए सामान्य से अधिक इच्छुक हैं। दोस्तों यह एक विशेष रूप से आत्मनिर्भरता का समय होगा। दोस्तों जिसके दौरान आपको अपनी व्यक्तिगत ताकत और प्रतिभा को सही ढंग से उजागर करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इन दिनों में आपको अपने जुनून को जो है जीवित रखने की जरूरत है। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, घर के उन मामलों पर आप ध्यान दें जिन्हें जो है टाला नहीं जा सकता। उन आध्यात्मिक मार्गों से जुड़ने के लिए समय निकालें जो आपको जो है सक्षम बनाते हैं। दोस्तों यह समय प्रकृति में बिताया गया समय उस आंतरिक शांति को फिर से स्थापित करने में उपयोगी होगा जिसके आप इच्छुक हैं। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, अपनी इच्छा शक्ति से परिस्थितियों पर विजय पाने का समय होगा। दोस्तों आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप जो है पूरे विश्वास के साथ इसका सामना करते हैं तो दोस्तों आपको जीत मिल सकती है। कुछ मामलों में जो है ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा गुस्सा या फिर नाराज़गी जाहिर करनी पड़ सकती है, लेकिन दोस्तों इस तरह के जो व्यवहार हैं आप जो है इस तरह दोनों परिस्थितियों में विजय पा सकते हैं। दोस्तों ये जो आपका दिन होगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपके करियर के मामले में आप अपने वाक चातुर्य से अपने जो है बिगड़े कामों को पूरा कर सकते हैं। अपने जो है वाणी के चलते आप यश में अपने काम को पूरा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यश में आप जो है जल्दबाजी न करें और अपने कामों में होने वाले लाभ हानि पर विचार करके आगे बढ़ें। कार्य में कोई जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप इन दिनों में बचें। आपके नम्र और कुशल व्यवहार से आपको इन दिनों में लाभ होगा। साथ ही दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय प्यार और सेक्स के रहस्यों की खोज करने की आपकी इच्छा बढ़ सकती है और इस समय आप अपने आप को सामान्य से अधिक प्रभावशाली महसूस करेंगे। ये इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। जो लोग किसी नए रिश्ते में हैं वे साथी के आत्मसम्मान का ध्यान रखें। दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे, आपके सेहत के मामले में आपको पैरों में चोट लग सकता है, वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए।
दोस्तों वहीं ऐसे में यदि आप नशीली चीज़ का सेवन करते हैं तो उसे छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 4। दोस्तों यश में गणेश जी कहते हैं कि आप अधिक ध्याय लक्ष्य बनेंगे, आप हर एक कार्य जो है व्यवस्थित रूप से करना यश में जो है पसंद करेंगे। साथ ही दोस्तों यश में परिवार और ऑफिस में आपसे अपेक्षाएँ रखी जाएंगी, इसलिए जो है उन पर काम का अधिक दबाव न पड़े या देखने का भी काम आप ही का होगा। शादी दोस्तों यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें, दोस्तों यश में आप महसूस कर सकते हैं कि जहां पर आप अभी हैं वहां से अपने करियर को आगे ले जाने के लिए आपको जो है कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों आप अधिक प्रयास करने की यश में कोशिश कर सकते हैं। आप कुछ नई जो है अंतर्दृष्टि लाना यश में पसंद कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे लेकिन लगातार आप अपनी जो है दक्षता बनाए पाएंगे। शादी दोस्तों वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में गणेश जी को लगता है कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को जो है संतुलित करने के लिए आपको एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा। दोस्तों आपको अपने पीर की आवश्यकताओं की चिंता रहेगी और आपका सहानुभूतिपूर्ण रवैया आपके पीर को खुश कर देगा। दोस्तों यश में आप अपने पीर के साथ एक नया जो है गंतव्य तलाशने के मूड। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों इन दिनों में कार्यवाही करने के बजाय जो है आपको रिसर्च करने के पीछे कुछ समय लगाना चाहिए। आपको मार्केट में उपलब्ध चीज़ों और उनकी कीमत के बारे में अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, आपको अपने दिमाग को आराम देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य है। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि चीज़ों पर अत्यधिक तर्क लागू न करें, बस शांत रहें और आराम करें। यदि आप ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने का प्रयास करें। वही दोस्तों इन दिनों में आपका तेज काम आपको प्रेरित करेगा। सफलता हासिल करने के लिए समय के साथ अपने विचारों में बदलाव लाएं, इससे आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा, समझ का जो दायरा है यह समय बढ़ेगा। दोस्तों इन दिनों में व्यक्तित्व में जो है आपका निखार आएगा और दिमाग यश में आपका विकसित होगा। शादी दोस्तों इन दिनों में आपका बचाए धन आपके काम आ सकते हैं, इसके साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा। वहीं दोस्तों यश में आपके जीवन साथी की लापरवाही संबंधों में दूरी बढ़ा सकती है। साथ में अपना कीमती समय बिताएं और मीठी यादों को फिर से ताज़ा करें ताकि पुराने दिनों को फिर से वापस लाया जा सके। दोस्तों इन दिनों में लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़े को आप सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। नई जो है साझेदारी करने के लिए जो दिन है फलदायी रहेगा। वही दोस्तों इन दिनों में आपको खाली वक्त का सदुपयोग करना चाहिए, उन कामों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे जो बीते दिनों में आप पूरे नहीं कर पाए थे। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, अगर आपकी लाख प्रयत्न करने की बात भी आप अभी तक बेरोजगार हैं और आप में ही भावना घर कर गई है तो दोस्तों यह करें, एक बिना दाग वाला पीला नींबू लें, उसके 4 बराबर टुकड़े कर लें। जब दिन ढल जाए तब दोस्तों चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में उन्हें एक एक टुकड़े में फेंक दें जी दोस्तों, और आप पीछे मुड़ के ना देखें और सीधे घर आ जाएं। आपको शीघ्र ही लाभ होगा। यह प्रयोग 7 दिन लगातार करें, आपका काम शीघ्र ही बनेगा और आपको रोजगार भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यह उपाय को यश में जरूर करें, आपको अवश्य ही लाभ होंगे। और साथ दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।